हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बजाज स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, आपको पता हो कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम जो है चल रहा है अभी, तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दे दिया है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि आखिर क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाया, हमने देखा है, और हमारे भी कुछ विद्यार्थी रहे हैं जो एग्जाम देकर के आए हैं, और उनका इंग्लिश टाइपिंग था, तो जिनका जिनका इंग्लिश टाइपिंग है उनका उनका शायद 24-25 तारीख से पहले ही एग्जाम हो गया है। अब जिनका जिनका दोनों है उसका अब जो है 25 के बाद से है या 20-22 तारीख के बाद से है उन सबका एग्जाम। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और हमें इतने कम दिनों में क्या चीज की तैयारी करनी चाहिए, क्या ऐसा पढ़े जिससे जो है हमारा जो है हो जाए, हम 30 से ज्यादा नंबर ला सके, ये इम्पोर्टेंट बात करती है। अगर अब तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ तीन चीजें करना है, तीन चीजें को देखना है, तीन चीजों को पढ़ना है। पहला है कि आप जितने भी शॉर्ट फॉर्म है वो याद कर लीजिए, दूसरा है शॉर्टकट कमांड जितने हैं, वो जैसे MS Word का शॉर्टकट है, ठीक है, पावर पॉइंट का है, एक्सेल का है। आपका तो एक्सेल और MS Word से बहुत बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको इन सब का शॉर्टकट कमांड देख लेना है। शॉर्टकट कमांड मतलब क्या, कंट्रोल A से क्या होता है, B से क्या होता है, कंट्रोल विंडो से क्या होता है, ये सबसे सवाल ये आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये शॉर्ट फॉर्म हमने आपको टेलीग्राम चैनल जो है रजा स्मार्ट लर्निंग उस पर हमने जो है भेज दिया है, रजा स्मार्ट लर्निंग है उस पर आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाके, तो ए से लेकर के जितने भी जेड तक फुल फॉर्म बन सकते थे वो हमने आपको भेज दिया, तो वो आप देख लीजिएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं तीसरा क्या पूछ रहा है। तीसरा आपसे सवाल, आपसे बहुत ज्यादा बच्चों का सवाल है, हम एक्सेल खोल लेते हैं, मेरे पास 2016 वर्जन है, हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, और ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट है। देखिए दोस्तों, आपसे जो सवाल पूछता है वो सवाल ये पूछता है कि आपको इसमें टाइटल बार किसको बोलते हैं, रिबन बार किसको बोलते हैं, ये सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। इस सब का भी फोटो हमने एक्सेल का जो है फोटो जो है भेज दिया है कि किसको टाइटल बार बोलते हैं, किसको रिबन बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। सवाल आपसे क्या पूछा जाता है कि आपके होम वाले सेक्शन में क्या क्या है, आपको पूछ देगा कि होम वाले सेक्शन में फॉन्ट किधर पाया जाता है, स्टेप दे देगा कि होम फॉन्ट, जैसे उसमें हमको टेक्स्ट को कलर करना है तो हम कहाँ से करेंगे, वो किस में मिलता है, होम में मिलता है कि इंसर्ट में मिलता है, कि पेज लेआउट में मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, डेटा रिव्यू या व्यू में मिलता है, किस में मिलता है, तो ये सारा सवाल आपसे पूछेगा। तो आपको याद करना होगा कि होम में आपको क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, अलाइनमेंट होता है, नंबर होता है, स्टाइल होता है, सेल्स होता है, एडिटिंग होता है, ये आपको बातें याद रखना है कि होम में ये सब पाई जाती है। उसके बाद होम के अंदर में जो ये सब है, तो ये सब है, तो फिर क्लिपबोर्ड के अंदर में क्या, फॉर्मेट प्रिंटर कहाँ पाया जाता है, कॉपी कहाँ से होता है, कट कहाँ से पाया जाता है, होम सेक्शन में क्लिपबोर्ड के अंदर में पाया जाता है, ये सब ये याद कर लीजिएगा। होम के अंदर में क्लिपबोर्ड में कट कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर पाया जाता है। उसके बाद फॉन्ट में आपको कलर, पेज कलर, ये साइज बड़ा छोटा करने के लिए, ये फॉन्ट का क्या है साइज बढ़ाने के लिए, ये फॉन्ट का स्टाइल है, इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये सब का आपको इसमें किसमें पाया जाता है, फॉन्ट में पाया जाता है। दोस्तों ये बात हुई, अब है अलाइनमेंट में क्या पाया जाता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं मर्ज एंड सेंटर, इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मर्ज एंड सेंटर का काम है, जैसे यहाँ ये सब बॉक्स दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये बॉक्स खत्म हो जाता है, बहुत सारा रिपोर्ट बनाने के लिए आपको इस मर्ज और सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है, हम आपको बताते हैं। जैसे हम इतना दूर सिलेक्ट किए, अब हमको कुछ रिपोर्ट बनाना है अपने गांव के बारे में, तो जैसे ही हम मर्ज सेंटर किए तो ये पूरा खाली हो गया, देखिए ये पूरा खाली हो गया,
अब यहां से हम इसको लिखेंगे हिंदी में, रिपोर्ट कुछ ये ऊपर चला जाएगा, हिंदी में लिखेंगे कुछ तो यहाँ से लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ हम रिपोर्ट बना सकते हैं कि हाँ भाई मेरे गांव में ये इतना इतना पंचायत है, इतने लोग हैं, इतने ये है, चाहे जैसा जिस तरह का रिपोर्ट है वो आपको ये मर्ज और सेंटर में ही आपको मिलेगा। तो मर्ज सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सवाल को अंदर से आके नहीं पूछ रहा है कि मर्ज सेंटर का यूज क्या है, पूछता है कि मर्ज सेंटर कहाँ पाया जाता है। तो होम के अलाइनमेंट वाले सेक्शन में मर्ज सेंटर पाया जाता है। रफ टेक्स्ट का भी बहुत सारा इस्तेमाल है, ये ए बी जो दिया हुआ है भी अब सीधा सीधा लिखा रहा है, और ये ए बी में इस तरह से दिखाएगा तिरछा। ठीक है दोस्तों, और इन सब के बारे में आपको पता होगा ही कि हम इसे सेंटर करते हैं। अगर बीच से लिखना हो तो इस पे क्लिक करते हैं, साइड राइट लेफ्ट से लिखना हो तो इसके, राइट से लिखना हो तो इसको क्लिक करते हैं। ये वाला है, अभी यहाँ से लिखा रहा है, ये वाला हम लोग करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब उसके बाद मर्ज सेंटर के बाद नंबर जो है, नंबर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों नंबर के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, जनरल परसेंटेज ये सब कहाँ, इस तरह से पूछेगा सवाल। उसके बाद अगर आप देखिएगा इस जनरल के अंदर में भी आपको क्या पाया जाता है, जनरल के अंदर में नंबर, करेंसी अकाउंट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि नंबर के अंदर में क्या पाया जाता है। दूसरा आपको क्वेश्चन बन सकता है कि स्टाइल के अंदर में क्या कहा है, नॉर्मल बेट, ये सेल को कलर करने के लिए इसको बोलते हैं सेल दोस्तों, और इस सेल को कलर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेट कहाँ पाया जाता है? कंडीशनल फॉर्मेट मतलब क्या होता है, जैसे कोई डेटा दिखाना है, जैसे मैट्रिक में किस तरह से 60 से ज्यादा नंबर लाया तो वो फर्स्ट करता है, या 80 से जिसको नंबर ज्यादा है उसको डी मिलता है डी। तो इस तरह से यही फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेट फॉर्मूला में ही इस तरह का इंगित करने के लिए आता है। अब है सेल, सेल को सेल्स में गया है तो नॉर्मली हम इसमें नया सेल जोड़ सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं सेल को, या सेल को डिलीट कर सकते हैं। फिर ये क्लियर का सिंबल कहाँ से मिलेगा, फिल ऑटो सम कहाँ से, तो एडिटिंग में मिलता है। फाइंड एंड सिलेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो ये एडिटिंग में मिलेगा। तो ये आपको होम वाली सारी बातें आपको याद करना होगा कि क्या क्या होम में पाया जाता है। दूसरा है दोस्तों इंसर्ट में, आइए इंसर्ट में आइए और देखिए इंसर्ट में क्या पाया जाता है। इंसर्ट में दोस्तों पाया जाता है, इंसर्ट में देखिएगा तो ये पिवोट टेबल पाया जाता है, रिकमेंडेड पिवोट टेबल और टेबल पाया जाता है। आपको पता है टेबल का इस्तेमाल इस तरह से हम कॉलम बनाने के लिए करते हैं, इस तरह से नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, इस तरह से हम ये टेबल का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। पिक्चर, इसके अंदर अगर पिक्चर लाना होता है तो हम इस पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। शेप, शेप का इस्तेमाल क्या करते हैं, तरह तरह का शेप लेने के लिए हमको शेप चाहिए, किसी तरह का बॉक्स, स्टार, ये दिल उल, या जो भी जिस तरह का भी शेप चाहिए वो सब इसमें में। शेप मतलब क्या, आकार, गोल शेप चाहिए, जितना तरह का आपको शेप है वो इसमें मिल जाता है, ये इलस्ट्रेशन में मिलता है। स्मार्ट आर्ट, स्क्रीन शॉट वगैरह, आपको बोले कि स्क्रीन शॉट एक्सेल में किस सेक्शन के द्वारा होता है, होम में होता है या इंसर्ट में होता है, तो ये स्क्रीन शॉट किस में होता है, इंसर्ट वाले सेक्शन में। उसके बाद चार्ट में है, चार्ट दिखाने के लिए, ग्राफ दिखाने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है चार्ट में। स्टिक लाइंस में होता है, उसी तरह ग्राफ दिखाना है हमको तो ये इस्तेमाल। फिल्टर्स में क्या क्या है, लिंक्स में क्या क्या है, टेक्स्ट में क्या क्या है, सिंबल्स में क्या क्या है। दोस्तों टेक्स्ट में क्या क्या है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, आपको पता है हेडर फुटर ऊपर वाले चीज को खा रखा है, फुटर नीचे वाले को खा रखा है। वर्ड आर्ट है, बड़ा से बड़ा लेटर लिखने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, वर्ड आर्ट का, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल, बहुत बड़ा बड़ा लेटर। नॉर्मली हमारे पास कितना साइज होता है, 72, 72 से अगर बड़ा लिखना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन का, सिंबल का साइन, सिंबल मतलब भाग का साइन लाना है तो कहाँ से लाएंगे, सिंबल में आ जाएगा। इक्वेशन का साइन, पाई का साइन, सिंबल लाना तो कहाँ से उसे आएगा, तो ये आपको सिंबल्स कहाँ मिलेगा, तो इंसर्ट। देखिए कुछ भी चीज अगर स्लाइड में या पेज में हमको डालना होगा, इसके अंदर अगर डालना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, कुछ भी चीज डालना होगा तो इंसर्ट वाले में। होम में आपको टेक्स्ट से रिलेटेड मतलब पेज में किसी तरह का फॉर्मेटिंग करना हो, फॉर्मेटिंग मतलब जस्ट लाइक समझिए कि सजाना हो, अगर हमें सजाने का काम हो तो हम वो सब होम में होता है। और अगर कुछ पेज के अंदर डालना है, इस पेज के अंदर कुछ डालना है तो आप वो सब इंसर्ट में। इंसर्ट मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ डालना, इंसर्ट करो, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सवाल यहां से पूछा जा रहा है। देखिए अब पेज लेआउट में क्या है दोस्तों,
देखिए पेज लेआउट में आपको थीम्स है, पेज सेटअप है, उसके बाद है स्केल टू फिट, फिट ऑप्शन और अरेंज, ये सारी चीजें आपको किसमें है, पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जो है दोस्तों, ये आपका थीम्स में आपका क्या क्या है, तो कलर है, फॉन्ट्स है, इफेक्ट है, और ये थीम्स है। थीम्स मतलब ये नहीं कि ये वॉलपेपर का डिजाइन चेंज करने वाला है, ये राइटिंग चेंज करने वाला है। जैसे मेरा राइटिंग है तो इसको बदल देगा, सुंदर सा राइटिंग इसमें, तो बहुत सारा राइटिंग इसको मिल जाएगा। मार्जिन का क्या इस्तेमाल है दोस्तों, तो मार्जिन का नॉर्मली जो हमें पेपर मिलती है, इस तरह से पेपर मिलती है, और हम जब लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ से लिखाते हैं, तो मार्जिन का काम है कि पेपर को पूरा फिट कर देता है। ओरिएंटेशन का क्या काम है दोस्तों, ओरिएंटेशन का पता है आपको, जो पेज हमें मिलता है वो इस तरह से पेज मिलता है ना, इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। और इस तरह का जो पेज मिला जाता है इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। कितना सारा वीडियो हमने इस पे बना बना रखा है, ये हमको ओरिएंटेशन में मिलता है। ये सवाल पूछा हुआ भी है, पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमें कहाँ प्राप्त होती है, तो पेज ओरिएंटेशन में प्राप्त होती है। आप अगर किसी कोई सेट मार रहे हैं, कोई सेट लगा रहे हैं, तो आपको पता होगा क्वेश्चन इस तरह का है। अगर पेपर का साइज हमको ठीक करना है, पेपर का साइज सही करना है, तो वो साइज भी हम यहाँ से, प्रिंट एरिया देखना है तो वो हम यहाँ से करते हैं। पेज ब्रेक्स करना है, ब्रेक्स मतलब क्या है, पेज खत्म होगा पेज आते जाएगा, पेज खत्म होगा पेज आते जाएगा। बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल, ये सब पेज सेटअप में मिलता है, ये आप देख लीजिए। फिर स्केल टू फिट में क्या है ये सब देख लीजिए, मतलब उसका हाइट उच चौड़ाई उड़ाई हमको ठीक करना होता है, तो हम यहाँ से करते हैं। ग्रिड लाइंस में क्या है, ग्रिड लाइंस में व्यू हेडिंग का इसमें दिया हुआ है फीचर, तो ये आप देख लीजिएगा। अरेंज में क्या क्या है ये सब आप लिख लीजिए, हम तो कहते हैं एक व्हाइट पेपर में लिख लीजिए, लिख के बना लीजिए, ताकि ये आपको बहुत फायदा करे। ये 2016 वर्जन है आपका, और 2021 में भी लगभग लगभग यही वर्जन जो है, मतलब यही सब है। फॉर्मूला में क्या है दोस्तों, देखिए अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला में देखिए, तो फॉर्मूला में आपका एक है फंक्शन लाइब्रेरी, एक है डिफाइन नेम, एक है फॉर्मूला ऑडिटिंग, एक है कैलकुलेशन। देखिए फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन आपको मिल जाएगा फॉर्मूला में, ऑटो सम मिल जाएगा फॉर्मूला में, उसके बाद और क्या है लिखा हुआ दोस्तों, रिसेंटली यूज फॉर्मूला में, फाइनेंशियल लॉजिकल टेक डेट एंड टाइम, लुकअप री लुकअप मैथ एंड ट्रिक, जितना भी मैक्सिमम मिनिमम सब इस, आप पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पाया जाता है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोस्तों यही मैथ एंड ट्रिक में पाया जाता है। देखिए स्क्वायर रूट आपको यहाँ है, साइन थीटा का मान वगैरह निकालना होगा तो आपको यहाँ, मॉड मतलब होता है सेसफल, अगर निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लॉग निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पावर निकालना है, यहाँ पूछेगा पावर किस किस सेक्शन में पाया जाता है, मैथ एंड ट्रिक में जाए तो मोर फंक्शन में क्या पाया जाता है, मोर फंक्शन में देखिए स्टैटिकल फंक्शन में आपको मिल जाएगा ये सब काउंट फॉर्मूला है। मैक्सिमम देखिए यहाँ है, मिनिमम यहाँ है। स्टैटिकल फंक्शन में आपको, स्टैटिकल फंक्शन के मोल फंक्शन में फॉर्मूला में ये मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। तो ये सब मैक्सिमम मिनिमम इसलिए पूछता है कि ये सब रेगुलर यूज में आने वाला फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, स्टैटिकल हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग में देखिए क्या क्या है, क्यूब में क्या क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डिफाइन एंड नेम में क्या है, डिफाइन नेम है, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन है, फॉर्मूला एडिटिंग में है, टैग प्रोडक्ट्स टैग, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए जो है हम इसको जल्दी जल्दी। डेट में क्या है, डेट में देखिए दोस्तों, डेट में क्या है दिखा देते हैं, आप बना लीजिएगा। डेट में फॉर्म एक्सेस, वेब फॉर्म टेक्स्ट सब देख लीजिए कितना सारा है, ये सब आप देख लीजिएगा। रिव्यू से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिव्यू सेक्शन में क्या क्या पाया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर कहाँ होता है, स्मार्ट लुकअप ये सब। फिर व्यू देख लीजिए, व्यू में क्या है, ठीक है, जूम करने के लिए कहाँ पाया जाता है, ग्रेड लाइंस कहाँ है, देखिए हट गया पूरा ग्रेड लाइंस।
ये सब तो लाइन जो इस तरह से दिया हुआ है, ये सब तो जब आप प्रिंट कीजिएगा तो ये सब नहीं रहेगा, ये गाइड लाइन हटा सकते हैं हम। फॉर्मूला बार है तो फॉर्मूला बार भी ऊपर से आ जाए। दोस्तों यही है आपका, ये एमएस एक्सेल का है, इसी तरह आप वर्ड का देख लीजिएगा, ज्यादातर सवाल एक्सेल से पूछा जा रहा है, वर्ड से भी पूछा जा रहा है, और शॉर्ट टू तीन चीजें हम बताए, उसी से सवाल जो है पूछा जा रहा है। थियोरी के क्वेश्चन से बहुत कम सवाल पूछा जा रहा है, इनपुट आउटपुट से एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अगर आपसे पूछता है तो बहुत अच्छी बात है। जीके से रिलेटेड भी दो तीन क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई खबर मिलती है तो हम आपको जरूर वीडियो बना देंगे उस पर। ठीक है, सब बात है।